उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी गदगद है। वो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही है। साथ ही नेता अखिलेश यादव पर भी तंज कस रहे हैं, लेकिन वो हार के बाद भी हताश नहीं हुए। सपा ने तो 2024 की तैयारी भी तेज कर दी है। जी हां, चाचा शिवपाल यादव ने बताया कि पार्टी का ध्यान अब किस पर है और वो कैसे विधानसभा चुनाव की हार से सबक लेंगे। देश के सबसे बड़े सूबे को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगाया। जातीय समीकरण से लेकर चाचा शिवपाल को मनाया, बावजूद इसके वो साइकिल को सत्ता के सफर पर दौड़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि इस हार के बावजूद पार्टी हताश नहीं है, क्योंकि अखिलेश ने साइकिल को इतनी रफ्तार जरूर दे दी है कि वो सदन में बीजेपी के सामने मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आई है। इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ पार्टी अब 2024 की तैयारी कर रही है। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि इस बार के चुनाव में जनता का मन समाजवादी पार्टी के तरफ था, माहौल अनुकूल था, लेकिन पार्टी में ही कुछ कमियां रह गईं। साथ ही कहा है कि हम इन सभी बातों पर विचार करेंगे कि कहां कमी रह गई, हम अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में हमारे जितने भी विधायक जीते हैं उनका वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। अब चाचा तो अपने भतीजे पर पूरा भरोसा जता रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश ने भी उन्हें तोहफा देने की तैयारी कर ली है। चर्चा है कि शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, उन्हें विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं अखिलेश यादव और आजम खान लोकसभा सदस्य बने रह सकते हैं। अखिलेश आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य हैं और आजम खान रामपुर से लोकसभा सदस्य हैं। वहीं दोनों नेता इस बार विधानसभा चुनाव भी जीत गए हैं। मतलब साफ है कि दोनों के पास विधायकी भी है और दोनों को ही लोकसभा या विधानसभा में से किसी एक की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के महज 5 सांसद हैं। राजनीतिक माहौल को देखते हुए समाजवादी पार्टी लोकसभा में कमजोर नहीं होना चाहती है। कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद अखिलेश और आजम खान विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और अब वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूत हो पाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।